Very good morning to all of you. Trigonometric ratios and identity. Trigonometry is unit ka first lecture. और इसमें कल आपने trigonometric ratios of allied angles सीखा था, जिसमें अपन 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta और 360 minus theta. इनके लिए अपन ने टेबल बनाया था. टेबल में दो बातों का विशेष ध्यान रखना है. सबसे पहले आप साइन लगाएंगे ESTC रूल से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट और फोर्थ में सेक और कॉस. तो सबसे पहले आपने टेबल कंप्लीट करते वक्त साइन मेंशन करने हैं और उसके बाद दो जगहों पर विशेष ध्यान देना है, 90 और 270 पर. जहां भी 90 प्लस या 90 माइनस और 270 प्लस 270 माइनस आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे. साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. आज उनका यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी पोजिशन. लेकिन बिफोर दिस अपन एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसकी भी हमको जरूरत पड़ सकती है, जिसकी भी आगे हमको जरूरत है. और फिर दोनों टॉपिक पे, कल का टॉपिक और आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल जो कल पढ़ा था और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, सॉरी टॉपिक, दोनों को मिला के, दोनों को मर्ज करके कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर. दिस इज अवर हेडिंग. मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो आपको कल बोला था लास्ट में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन बाकी बचे हुए पांच के टर्म्स में लिखना यहाँ पर सीख रहे हैं. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए हमने यहाँ पर साइन, कॉस और टैन यहां पर साइन थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा भी लिख के बताऊंगा, साइन थीटा टैन थीटा के टर्म्स में कैसा दिखेगा, कोसेक थीटा के टर्म्स में कैसा होगा, सेक थीटा के टर्म्स में कैसा होगा और साइन थीटा को आप कॉट थीटा के टर्म्स में कैसा लिखेंगे. तो पहले अपन इन तीन के लिए देख लेते हैं और एक बार ये तीन मिल गए तो बाकी के तीन अपन यहाँ पर टेबल कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो कन्वर्जन आप सीखिए. आप जानते हो साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में हमको लिखना है. We have to write साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा. तो साइन थीटा को तो साइन थीटा के टर्म्स में अपन साइन थीटा ही. अब नाउ वी राइट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा. कॉस के टर्म्स में हम साइन को लिख रहे हैं तो आप ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है. ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. नाउ इस आइडेंटिटी से वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इसको ट्रांसफर कर दिया कॉस स्क्वायर और आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये देखिए ये आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट. साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस वी कैन राइट रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इस तरीके से लिखना है. साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस अपन लिख सकते हैं रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब चलते अगली बात पर. अवर नेक्स्ट थिंग
we have to write sine in terms of tan. So we know that sine theta can be written. Sine theta को अपन cos theta से divide और cos theta से multiply कर दें, तो करने में कोई बुराई नहीं है. क्यों किया है आप समझ गए, क्योंकि अपन साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और ये कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा. एंड फाइनली सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये सेकंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और sec square theta का root sec theta हो गया. तो इस sec theta को हमने root one plus, हर जगह tan 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 आना चाहिए, बस और कोई trigonometric ratio नहीं आना चाहिए. Since we have to write sin totally in terms of tan, हमको sin को पूरा का पूरा tan के terms में लिखना है. तो मैंने sin को सबसे पहले क्या किया, cos से divide multiply किया, ये sin by cos tan बन गया, ये cos को one by sec लिख दिया, और 1 by 6, 6 को आप लिख सकते हैं root 1 plus 10 square theta. So tan के terms में sine totally can be written tan theta divided by root over 1 plus 10 square theta. बस ये आ गया totally in terms of tan. मेरे को यदि कभी tan theta की value पता होगी, मैं वो यहाँ डाल दूंगा, so directly मेरे को sin theta मिल जाएगा. तो इस तरीके से मैंने साइन को साइन के टर्म्स में, साइन को कॉस के टर्म्स में, और साइन को टेन के टर्म्स में तीनों लिख दिया. अब आगे की जो बातें हैं वो बड़ी इजी हैं. सर आपने सिस से क्यों मल्टीप्लाई, कॉस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपन को साइन को टेन में कन्वर्ट करना था, और वी नो दैट कि साइन बटा कॉस टेन होता है, इसलिए हमने कॉस से डिवाइड किया है ताकि ये साइन बाई कॉस को अपन टेन लिख सके, इसलिए कॉस से किया. ठीक है आयुष सर. हाँ बोलो बेटा. सर मेरे फोन का बैटरी थोड़ा सा डाउन है, मैं लैपी से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं? जी यस सर. ओके हाँ सर एक मिनट जल्दी आ जाए. यस सर. चलते हैं अगली बात पर तब तक. सो नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज, जो कि अब बड़ी इजी बातें, अब जैसे कोसेक लिखना है, तो कोसेक तो अपन जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल है, तो क्या करोगे, ये साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोसेक, सिंपली क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन कोसेक, ये आ गया कोसेक के टर्म्स. अब मेरे को sec के टर्म्स में लिखना है, तो मैं cos के टर्म्स में ऑलरेडी लिख चुका हूं, और जब अपन cos के टर्म्स में लिख चुके हैं तो अपन क्या करेंगे, cos को अपन लिख सकते हैं 1 by sec. तो ये देखिए इधर देखो रिजल्ट, मैं ऑलरेडी sin theta को इन टर्म्स ऑफ cos theta लिख चुका हूं ऐसा. अब अपन को इसको sec में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन सेक स्क्वायर. अब एलसीएम लोगे तो इट कैन बी रिटन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक, तो टोटली इन टर्म्स ऑफ सेक ये बन गया रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन. ये आ गया टोटली इन टर्म्स ऑफ sec, एंड बिल्कुल सिमिलर वे में जब आप इसको cot के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये जितनी जगह tan लिखा है tan को 1 by cot, और tan को 1 by cot ऐसा लिख के सिंप्लीफाई कर देना, तो यू कैन राइट इट 1 अपॉन रूट 1 प्लस. ये आ गया, खत्म हो गई अपनी बात. अपन ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सारे के टर्म्स में लिख डाला.
अनिरुद्ध माइक म्यूट कर लो बेटा आप अपना। सॉरी सर। चलिए तो देखिए एक बार और, साइन को साइन के टर्म्स में साइन लिखेंगे, साइन को कॉस के टर्म्स में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिखेंगे, साइन को टैन में कन्वर्ट करने के लिए साइन को पहले कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर ये साइन बाई कॉस टैन बना दिया। अब इस कॉस को भी मेरे को टैन बनाना है, तो कॉस को पहले मैंने 1/sec लिखा और 1/sec को अपन रूट 1+tan² लिख सकते हैं। तो ये टोटली इन टर्म्स ऑफ टैन आ गया। अब यदि आप कोसेक के टर्म्स में लिखोगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ कॉस की जगह 1/sec लिख दो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। कॉट के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ टैन की जगह 1/cot लिख दो, कॉट कॉट के टर्म्स में आ जाएगा। मतलब बेसिकली इन पांच में से केवल दो ही आपको ये पांच में से केवल दो ही कन्वर्जन आपको करने हैं। साइन को साइन के टर्म्स में साइन ही लिखा जाएगा, मेनली ये दो करने हैं। और अब ये जो तीन आ गए, इन तीन को इनके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दो, मतलब साइन की जगह 1/cosec, कॉस की जगह 1/sec और टैन की जगह 1/cot, तो ये कोसेक सेक और कॉट में कन्वर्ट किया गया। ऐसा अपन तीन बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉस के लिए भी अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अपन सेक के लिए भी करेंगे, टैन के लिए भी करेंगे। तो जब तक टैन तक पहुंचेंगे बहुत आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कॉस को लिखने के लिए फिर से मेरे को ये यहाँ पर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ अपन कॉस का कन्वर्जन सीख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सीखते जाइए, ठीक है। एक बार आप जब इसके बात करने के बाद आप खुद से करेंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर वी कन्वर्ट कॉस इन टर्म्स ऑफ बाकी पांच। तो देखिए पेज नंबर 2 पर भाई कॉस को कॉस के टर्म्स में तो कॉस थीटा ही लिखेंगे, तो एक तो अपना कंप्लीट है ही ये वाला। अब मेरे को कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे करेंगे, इसी सिग्नल क्या करेंगे, अब अपन ट्रांसफर करेंगे साइन स्क्वायर को, और यहां पर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद कॉस थीटा अपने पास बन जाएगा रूट 1-sin। तो ये कन्वर्ट होके आ गया, कॉस थीटा साइन के टर्म्स में कितना लिखा जाएगा, रूट 1-sin² थीटा। अब टैन के टर्म्स में लिखेंगे कॉस को, तो कॉस को टैन के टर्म्स में लिखना है तो क्या करेंगे, अपन जानते हैं कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/sec थीटा, cos होता है 1/sec, और sec थीटा को अपन लिख सकते हैं रूट ओवर 1+tan². क्योंकि आप ये जानते हो फंडामेंटल आइडेंटिटी 1+tan²θsec², इस आइडेंटिटी से sec को रूट 1+tan² लिखते। तो ये cos इन टर्म्स ऑफ tan कितना आ गया, cos इन टर्म्स ऑफ tan आ गया 1/√(1+tan²θ), टोटली इन टर्म्स ऑफ tan आ गया। अब बाकी बातें आपके लिए दी है, जब cosec के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ sin की जगह पर 1/cosec लिखेंगे। तो जब साइन की जगह 1/cosec लिखोगे तो ये देखो मैं लिख के बताता हूं, एक सिंपलीफाई कर देते हैं। सो वी हैव टू राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ कोसेक, ऑलरेडी वी राइट कॉस को साइन के टर्म्स में अपन ने ये लिख चुके हैं, अब ये साइन वाले से ही अपन कोसेक बनाएंगे, और कैसे, साइन की जगह 1/cosec। और आप टेक दी एलसीएम, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा -1/cosec।
हर जगह कोसेक कोसेक और कोसेक बनाना है बस। तो कोसेक के टर्म्स में ये कैसा दिखेगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कोसेक। ऐसे ही सेक लिखना है तो वो तो बड़ा इजी है, वन बाई सेक हो जाएगा। कॉट लिखना है तो इसकी जगह पर वन बाई कॉट लिखेंगे, टेन की जगह पर तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना है। दो ही इंपॉर्टेंट थे बस, साइन और टेन वाला लिखोगे तो बाकी सब इजीली आ जाते। ये हो गया अपना कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अपन ने कॉस थीटा को बाकी पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख दिया है रिमेनिंग, और अब ऐसे ही अपन साइन टेन थीटा के लिए देखेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड पेज पे मैं टेन थीटा के लिए लिख रहा हूँ। कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिएगा। बोलो बेटा अंशु। सर आपने कॉट का दिखाया, तुम्हारा वॉइस पूरा कट गया मेरे को, एक भी शब्द समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करें अच्छे से। सर आप साइन इन टर्म्स ऑफ टेन करके बता वो ना। अच्छा साइन इन टर्म्स ऑफ टेन अभी तो बताया था इसके पहले, चलो एक बार और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आयुष पूछ रहे हैं साइन इन टर्म्स ऑफ टेन कैसा है, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं। ठीक है तो पेज नंबर थर्ड पर पहले आप साइन इन टर्म्स ऑफ टेन देख लो क्या करें भाई, जिसको लिखना है पहले तो वो लिख लिया करो। अब अपन को इसको टेन के टर्म्स में बनाना है, और आपको ये पता है कि टेन साइन बटा कॉस होता है। सर कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट, अच्छा वो भी बताना है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले साइन इन टर्म्स ऑफ टेन देखते हैं। तो साइन को कन्वर्ट करना है तो साइन लिख दिया, अब टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन कब बनेगा, जब ये कॉस से डिवाइड होगा। तो मैं अगले स्टेप में इसको क्या करता हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस कॉस कट जाएंगे फिर से साइन आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही साइन बाई कॉस बना अपन उसको टेन लिख देते हैं। अब बचा इनटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को अपन लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा वन बाई सेक। हर जगह टेन बनाना ये याद रखना, तो अब ये टेन को बिगाड़ेंगे नहीं, ये तो टेन बन गया अपना साइन बाई कॉस। अब मैं कोशिश करूंगा इसको भी टेन बनाने, इसको टेन बनाने के लिए पहले इसको सेक बनाया, और अब अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर रूट ले लोगे तो रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा। तो अपन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हर जगह देखो आप टेन टेन और टेन बन, तो ये आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ टेन। सर हमने कॉस थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, वही मेरा डाउट। इससे डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई भी करना, बैलेंस रहना चाहिए ना। ये साइन थीटा के बराबर लिख रहे हो तो मैं कॉस थीटा से डिवाइड किया इसलिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। ऑलवेज आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहना चाहिए, और बैलेंस करने के लिए जो डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई किया। समझ गया आयुष अभी, ओके चलिए। अब आर्या सी पूछ रही है, सर कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट। ओके कॉस को कॉट के टर्म्स में कैसे बनाया, तो उसको पहले अपन क्या करेंगे, कॉस को टेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर वैसा भी नहीं करना है तो वी हैव टू राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो अब आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, कॉस को कॉट के टर्म्स में लिखना है, और अपन जानते हैं कॉट होता है कॉस बाई साइन, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको
साइन थीटा से डिवाइड और साइन थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कॉस बाई साइन को अपन ने क्वाड लिख दिया और ये साइन को वन अपॉन कोसेक लिख दिया, और अब फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाली, इसमें क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। जब अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो वन प्लस कितना आ जाएगा कोसेक थीटा, इसलिए अपन कोसेक थीटा की जगह रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये आ गया कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट, समझ गया आ रही है अभी। ओके बेटा चलिए, सो इजी है, आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अपन एक बार 10 में और इसको प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन थर्ड पेज देख रहे हैं और थर्ड पेज पे अपन 10 में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर वी कन्वर्ट 10 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस, सब में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक टेंशन अपन जितना भी कम हो सके उतना कम करेंगे। टेन को टेन के टर्म्स में टेन थीटा लिख सकते हैं, सबसे पहले कर लिया करो ये। इन सब का यूज वही है बेटा, अभी आपको बताया था ना कि जैसे मेरे को मैंने आपको बोल दिया कि टेन थीटा टू है तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, तो डायरेक्टली टेन थीटा की जगह टू डाल देना, 2 अपॉन रूट 5 आपका आंसर, साइन थीटा का वैल्यू 2 बाय रूट 5। ये कन्वर्जन आपको इतनी जल्दी हेल्प करेंगे। तो ये टेन थीटा है, ओके। अब टेन को टेन के टर्म्स में टेन लिख सकते हैं और टेन को कॉट के टर्म्स में क्या लिखेंगे 1 बाय कॉट। ये दो तो बड़े दिए, सबसे पहले यही निपटा दिए। अब ये भी राइट 10 इन टर्म्स ऑफ साइन, टेन को साइन के टर्म्स में लिखना है, हर जगह साइन आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। वी हैव टू राइट टेन इन टर्म्स ऑफ साइन, तो अपन जानते हैं कि टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यदि टेन को आपने साइन के टर्म्स में लिखना है तो हर जगह साइन आना चाहिए, तो ये वाले साइन को तो ऐसा छोड़ देंगे और ये कॉस की जगह पर अपन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर लिखते, है ना। आप इधर से भी देख सकते हो कॉस साइन के टर्म्स में इतना होता है तो कॉस थीटा बराबर इतना होता है, तो कॉस थीटा को ये। और यदि ये नहीं लिखना है तो अपन ये कैसे लिखा, तो ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको ट्रांसफर कर देंगे, cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, तो cos थीटा रूट 1। तो आप देखो tan थीटा टोटली इन टर्म्स ऑफ sin ऐसे आ गया, क्या लिखेंगे इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा कितना होता है रूट 1 माइनस, ये टोटली इन टर्म्स ऑफ sin है। अब यदि आपको tan को cot सॉरी tan को cos के टर्म्स में लिखना है तो अब अपन क्या करेंगे, फिर से tan थीटा लेके चलेंगे, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस थीटा। अब अपन को इसको कॉस में लिखना है तो नीचे वाले कॉस को हाथ नहीं लगाना क्योंकि कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब अपन साइन को कॉस के टर्म्स में लिखेंगे और अपन जानते हैं साइन कॉस के टर्म्स में कितना होता है, ये हो गया कन्वर्ट। सो देयरफॉर tan थीटा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो tan sin के टर्म्स में आ गया, tan cos के टर्म्स में आ गया, tan tan के टर्म्स में आ गया। अब जब cosec बनाना होगा तो क्या करेंगे, cosec बनाने के लिए जितनी जगह sin लिखा है उसकी जगह 1 by cos लिख देंगे, cosec लिख देंगे सॉरी। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि tan theta sin theta के टर्म्स में sin theta upon root 1 minus sin square theta। अब हर जगह sin की जगह 1 by cosec लिखते हैं, यहां भी 1 by cosec और यहां भी 1 बाई
और जब आप इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो आप देखोगे ये आ रहा है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सिंपलीफाई कर लेना तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अब यदि सेक में कन्वर्ट करना है तो कॉस की जगह वन बाई सेक लिख देना, तो कॉस की जगह वन बाई सेक लिखोगे तो ये बन जाएगा सिंपलीफाई कर लीजिएगा, मतलब दो मेनली बन गए तो बाकी तो सब इजीली आ जाते। अभी भी कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछ लीजिए। हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी बचे हुए पांच में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए कोई नहीं, वेरी गुड। सो दिस इज अवर एडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। मैंने एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी बचे हुए पांच में कन्वर्ट किया है। मेनली कन्वर्जन में शुरू के दो हैं, दो में आपने कन्वर्ट कर लिया तो बाकी सब इजीली कन्वर्ट किया। बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि आप इसको साइन कॉस टेन के टर्म्स में किए हो। यदि आप इनको नंबर्स के लिए कैलकुलेशन करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगी, मतलब आगे को कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो मैं साइन थीटा को इतना लिख दूंगा यदि मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो इस बात से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो अब मेरे पास दो चीजें हो गई। कल तक की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़े और आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। अब इन सब का यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चंस में कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सर इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? हाँ, कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर चार पे अपन चलते हैं। Here we discuss some question based upon these topics. तो देखिए अब क्वेश्चंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल आपने जो पढ़े वो, और अभी जो थ्योरी पढ़ी वो, इनमें से किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको पहचान के आंसर पर यदि है आप ट्राई करोगे तो सब क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज cos a plus sine 270 plus a minus sine 270 minus a or plus cos 180 plus a, इसका वैल्यू क्या? आपके ऑप्शन है माइनस वन, जीरो, प्लस वन या फिर ना नो, विच वन इज करेक्ट? करिए आंसर। कॉस ए साइन 270 प्लस ए
माइनस साइन 270 माइनस ए और कॉस 180 प्लस ए, इनका वैल्यू कितना है? पेशेंसली सॉल्व करिए, आएगा जरूर। आप एक ही जगह पर थीटा लिख लें और ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन से। कॉस थीटा कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ, ये भी थीटा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थीटा लिखो ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थीटा अपन जनरली पढ़ते आए हैं तो और ज्यादा क्वेश्चन अपन को ऐसा लगता है कि अपन बड़ा फैमिलियर है। वेरी गुड संकेत कलंबे, करेक्ट है आपका आंसर, वेरी गुड। अंशिका मौदेकर, करेक्ट, वेरी गुड। कौस्तुभ, करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। आर्या सी, करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। अंशु, करेक्ट है, वेरी गुड। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कृष्णा चौहान, करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, जीरो आता है क्वेश्चन का आंसर। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल जो आपने कल थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में कॉस थीटा को तो आप ऐसे रखेंगे, दिस रिमेन्स एज सच। अब साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस आप करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर मतलब सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक चीज मैं कर लेता हूँ, भाई कॉस थीटा का तो कुछ नहीं बिगाड़ना, पहले इनको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल कल पढ़ा, सबसे पहले तो ये देखा करो 270 प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन लगाए तो कैसा होगा, नेगेटिव, और 270 है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, तो साइन 270 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। अब यदि आप साइन 270 माइनस थीटा की बात करो, साइन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, साइन 270 है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, ये भी माइनस कॉस थीटा आएगा, और लास्ट वाला कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये बनती है वैल्यूज इन तीनों की। अब ये सब उठा के आपको याद डाल, देयरफॉर कॉस थीटा तो एज सच रहा,
इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा है, इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा है, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और कॉस 180 प्लस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा, ये आता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये जीरो बना, तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन था। आपको कैलकुलेशन में अभी कोई डाउट है तो पूछिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते आगे। वेरी गुड अंशिका, करेक्ट है। जितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल का टेबल आप याद रखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन आप बना पाओगे। ये यूटिलाइजेशन है जो आप थ्योरी पढ़ रहे थे। ओमकार करेक्ट है, वेरी गुड ओमकार। संकेत कलंबे करेक्ट है, वेरी गुड। अनिरुद्ध सेन करेक्ट है, वेरी गुड अनिरुद्ध। निशिका पाटिल ये भी करेक्ट है, वेरी गुड निशिका। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड अंशु। संकेत कलंबे करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है संकेत। कौस्तुभ करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा।
चलिए देखिए सॉल्यूशन अपन करते हैं। सो अनिरुद्ध सेन, नहीं बेटा ये थर्ड सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है अनिरुद्ध, कौस्तु सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए सॉल्यूशन ये दोनों क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का माइनस वन आता है एंड सॉल्यूशन इज दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 है तो साइन का साइन नथिंग इनटू दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है और इनटू कोसेक स्क्वायर की, सो दिस बिकम्स माइनस साइन इनटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस गिव्स यू द आंसर, माइनस वन करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, यासीन बेटा चेक करो आप, सेकंड क्वेश्चन में टेन थीटा रिमेन्स एज सच, ये सॉल्यूशन इनटू साइन 90 प्लस, 90 प्लस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 है इसलिए साइन का कॉस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, कॉस का साइन हो जाएगा और वी नो दैट टेन थीटा कैन बी रिटन साइन बाय कॉस इनटू कॉस इनटू साइन, ये साइन ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा, दिस गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो नन ऑफ दी दादा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल यूज करना है और उससे ये सीधे आंसर दे देते हैं, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 6। पेज 6 का क्वेश्चन देखेंगे आप, पार्ट 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 1036 डिग्री प्लस 1020 डिग्री डिवाइडेड बाय पार्ट 70 का वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन है 2 क्वेश्चन, ओमकार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड।
कृष्णा चौहान करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आयुष राउत करेक्ट है। अंशिका करेक्ट है। यासीन सिद्दीकी चेक करें रॉन्ग वन। अनिरुद्ध सेन चेक करो अनिरुद्ध। क्वेश्चन नंबर तीन कौन सा है? दो ही तो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड। अनिरुद्ध अंशु बगने करेक्ट है वेरी गुड। क्वेश्चन वन का ऑप्शन अच्छा नहीं अनिरुद्ध चेक करो दिस इज रॉन्ग वन। जानवी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। यासीन सिद्दीकी करेक्ट है। संकेत कलंबे चेक करिए। संकेत कलंबे ओमकार और संकेत सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है वेरी गुड। दोनों बच्चों का करेक्ट है। आर्या सी फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। आयुष राउत सेकंड का चेक करें आप। चलिए सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ट्रू आता है क्योंकि कॉट 54 को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 36। सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टू है। हाँ जी सर मैंने तो यही टाइप करके भेजा था। कौन बोल रहा है संकेत? नहीं सर ऑप्ट टू मतलब सॉरी वो ऑप्शन पे मैंने ए और बी नहीं लिखा था इसीलिए मिस कंफ्यूजन हो गया। अनिरुद्ध सेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन तीन लिखा है तुमने। नहीं एक मिनट सर। हाँ दो आंसर भेजे एक पहला भेजा है ऑप्ट टू और एक भेजा है ऑप्ट थ्री। पहला जो भेजा था क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर दो पहला ये भेजा था क्वेश्चन तीन का ऑप्शन दो और दूसरा भेजा था क्वेश्चन वन का ऑप्शन तीन। ठीक है ये दो भेजे हैं आपने। सर वो मेरे से मतलब एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई ऑप्शन ए टू लिखना चाहिए था। ओके तो अनिरुद्ध सेन अभी करेक्ट है क्वेश्चन वन का ऑप्शन वन करेक्ट है। तो देखिए इसको ऐसा लिखेंगे 54 को 90 माइनस 36 ऐसे ही 20 डिग्री को मैंने 90 माइनस 70 लिख दी और जितना करना था इन क्वेश्चन में। अब अपन जानते हैं cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cot पॉजिटिव रहेगा और tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको tan 36 लिखेंगे डिनोमिनेटर एस सच है
सिमिलरली ये cot 70 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एस सच है, और अब ये कट जाएंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा व्हिच इज 2. करेक्ट आंसर इज 2. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपको थीटा 0 से 360 के बीच में, मतलब फर्स्ट रोटेशन में बताना है कोसेक थीटा 2 दिया है प्लस 2, कोसेक थीटा प्लस 2 0 दिया है. तो सॉल्व करने जाएंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस 2, या फिर अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. अब आप जानते हो कि साइन थीटा किन किन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और यदि साइन छोड़ रहे हैं तो थीटा की कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसपे साइन 1/2 आता है, तो अपन जानते हैं 30 डिग्री. तो 30 डिग्री को मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है. तो जब 30 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, यहां तक होता है 180, और 180 प्लस, तो ये वाला एंगल बनेगा 180 प्लस 30, मतलब 210 डिग्री. तो थर्ड क्वाड्रेंट में 210 डिग्री बनेगा. 210 डिग्री आपके सारे ही ऑप्शन में है, केवल इस एक ऑप्शन में नहीं है सेकंड में, तो ये ऑप्शन हट जाता. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है 210 डिग्री को, तो 210 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक 270 होता है, और 270 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 300, तो ये आएगा इस क्वाड्रेंट में एंगल 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बोले तो 300 डिग्री. तो 300 डिग्री बनता सही लिखा ना. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन 210 डिग्री यहाँ था, 300 इन दोनों में नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. तो मैंने इन दोनों को सही दे दिया था, 330 वाला. आंसर 210 और 300 आए. कि तुम लोगों ने कैसा लिखा है सर, जो आपने लास्ट क्वेश्चन के क्वाड्रेंट पर कैसे किया वो नहीं समझा. ठीक है आयुष, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. और आयुष आर्यासी एक बार रिपीट कीजिए सर. ओके ठीक है. और आर्यासी सर सेकंड नहीं समझा. ठीक है मैं बता रहा हूँ बेटा सेकंड. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ओमकार से और संकेत से, बेटा आपने 330 डिग्री कैसा लिखा. ओमकार और संकेत जवाब दीजिए. अच्छा गलती हो गई. ओके गलती से लिखा है. चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ. हटा देते हैं ये सब. आप लोग देखा करो सबसे पहले तो क्या है, मैंने बोला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो अब मेरे को ये जो साइन थीटा दिया है ये कितना दिया है, माइनस हाफ. तो साइन थीटा माइनस हाफ किस किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले तो आप क्वाड्रेंट पे टिक कर लिया करो. साइन थीटा नेगेटिव बोला है, तो साइन थीटा नेगेटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो इसपे और इसपे टिक मार कर लिया कि हमारा आंसर इन दो क्वाड्रेंट में होगा. अब साइन खत्म हो गया कि भाई नेगेटिव आएगा, ठीक है. अब आप ये देखो न्यूमेरिकली साइन थीटा 1/2 कब आता है, तो वी नो दैट 30 डिग्री पर साइन 1/2 होता है. तो अब मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 30 डिग्री. सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना होता तो क्या लिखते, 180 माइनस 30. थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री को कैसा लिखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री कितना, 270 माइनस 30. नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल याद रखें, हमेशा एंगल का कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज से करते, ठीक है. सो यहां पर अपना कितना आएगा ये एंगल, ये एंगल 180.
अब 180 में अपन कितना ऐड करना, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो 180 में कितना ऐड करोगे, 30 ऐड करोगे, तो 180 में जब 30 ऐड करेंगे तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 + 30 डिग्री, और 180 + 30 डिग्री कितना होगा, 210। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 210 डिग्री। आर्या ये समझा तुमको सर? लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से 100 माइनस क्यों नहीं करेंगे? हाँ? जब हम लोग नीचे साइड में चले जाते हैं रिफ्लेक्स में, तब हम लोग उसको, देखिए जब कोई एंगल आपको डला हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से, लेकिन जब आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करना। लेकिन जब जैसे आपको कोई एंगल दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे मेरे को 210 डिग्री लिखा होगा, तो 210 डिग्री को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूं, या फिर मैं 270 माइनस 60 लिखूंगा, 270 माइनस 60 लिखूंगा, ठीक है? तो जब एंगल अपन को पता हो तो फिर अपन दो डायरेक्शन में लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। लेकिन जब आपको एंगल का मेजरमेंट करना हो, एंगल लिखना हो, तो हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखते हुए जाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब आप एंगल लिखते हो तो क्लॉकवाइज सेंस में एंगल का जो सेंस ऑफ एंगल है वो नेगेटिव होता है। तो यदि आप एंगल का मेजरमेंट ऐसे कर रहे हो तो वो माइनस का 270 कहलाएगा। इसलिए हमेशा एंगल यहीं से शुरू करते हैं, यहां से अपन बढ़ाते जाएंगे, यहां तक पहुंच गए तो 180, और 180 में ऐड किया 30 डिग्री तो अपन कहां पहुंच गए, 270, 210 डिग्री पर। समझा? अरे कोठे के लिए हेलो। कुछ नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले रहा था। हाँ, अभी समझा तुमको? यस सर। यदि तुम 270 माइनस 30 करते हो तो कितना आता है, 240। आप साइन 240 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, साइन 240 डिग्री माइनस हाफ नहीं आता, वो √3/2 आता, क्योंकि वो 180 प्लस 60 बन जाएगा, और 180 प्लस 60 मतलब साइन 60 होगा, और साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है? तो इसलिए अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही एंगल का मेजरमेंट करेंगे। और अब इसी 30 डिग्री को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखा जाएगा, यहां से यहां तक का एंगल अपन ने कितना होगा, ये 270 हो गया, और 270 में 30 ऐड करेंगे अपन यहां पहुंच गए, दिस इज 270 + 300। टू पाई माइनस 6π क्यों लिखा हूं? संकेत सर, थर्ड स्टेप रेसिप्रोकल है, क्या बोल रहे हो संकेत? पाई प्लस 6π कैसे कर दिया तुमने? 6 सर मेरे सॉल्यूशन में। ओके ओके ठीक है बेटा, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में, आज के फिलहाल इतना, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आएगा तो कल और एक्सप्लेन करेंगे इसका। आर्या तुमको समझा अभी? हाँ जी आर्या, ओके बेटा चलिए, तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, इसको अपन डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस ले लेंगे। ये यूटिलाइजेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल का। हेलो सर। बोलो सर। सर वो फिर 330 की वैल्यू क्या होंगी? 330 को आप कितना लिखोगे? 270 + 60 ना? ओमकार, हाँ 270 + 60 लिखोगे ना 330 को? यस सर। कैलकुलेट कर लो आप,
ओके सर। चलिए तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। ओके सर। ओके बेटा।